दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से मेरे सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। जैसे कि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि रीनीट हो, नीट एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो, तो फाइनली बड़ी अपडेट आ चुकी है। गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि पेपर में गड़बड़ी हुई थी, रीनीट होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक शर्त रख दी है। शर्त ये रख दी है कि जो रीनीट होगा वो सिर्फ और सिर्फ श्रीगंगानगर, जो कि राजस्थान का एक जो है पार्ट है, वहीं पे होगा। क्योंकि इस पूरे मैटर की जो शुरुआत हुई थी वो श्रीगंगानगर से ही हुई थी, वहीं के बच्चों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी और भी बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी। तो फाइनली बच्चों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है और श्रीगंगानगर में रीनीट एग्ज़ाम दोबारा होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब देखिए, ये तो अच्छी खबर है ऐसे बच्चों के लिए जो कि श्रीगंगानगर में पेपर दे रहे थे, क्योंकि लगभग वहाँ पर 900 बच्चे हैं। लेकिन जो अदर बच्चे हैं, जो यूपी से हैं, एमपी से हैं, दिल्ली से हैं, जहाँ पर सेम सिचुएशन थी, जिसे आप बता दें यूपी के बाराबंकी में सेंट्रल एकेडमी में सेम ऐसा हुआ था, मेरे पास 500 बच्चों ने मैसेज किया, फोटोज़ भेजी, तो वहाँ पर बच्चों को दोबारा चांस नहीं मिलेगा क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने इस पूरे मैटर पर अपना एक्शन नहीं लिया है, तो यहाँ पर रीनीट नहीं होगा। तो अगर हम ओवरऑल जाएं मैसेज पे, तो सिर्फ और सिर्फ श्रीगंगानगर में ही रीनीट होगा, बाकी के बच्चों को रीनीट का चांस नहीं मिलेगा। अब इस पूरे ही मैटर पे हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चों ने लगातार कमेंट किया था कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके सेंटर पे भी चीटिंग हुई है। तो क्या ऐसे बच्चों ने कोई गुनाह किया है कि उनको मौका नहीं मिलेगा? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं कि जो अदर बच्चे हैं, जिन सेंटर्स पे, अगर हम छोड़ दें श्रीगंगानगर को, तो इसके अलावा जो सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर जिन बच्चों के साथ में गलत हुआ है, तो उन बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। इस बात की मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा और मुझे आपके कमेंट्स का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आपके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।